सो गाइस सुबह के बज रहे 6:05 और हम ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई नहाने के लिए जगह मिल जाए, और यहाँ जगह नहीं मिली। पूरी रात हमारी गाड़ी में ही जाके कटी है, नींद भी नहीं आई और ठंड बहुत है भाई। मैंने पूरे कपड़े पहने हुए हैं, मेरी हालत बहुत ख़राब है ठंड की वजह से, बहुत ठंड है। मैंने मेरा गला सूख रहा है। मैंने जैकेट पहनी हुई है, उसके नीचे एक स्वेट शर्ट, उसके नीचे एक इनर, मेरी बैंड बजी पड़ी है अभी भी, एक जैकेट और पहननी पड़ी मुझे, बहुत ठंड है, हालत ख़राब भाई। चौक टाने से पहले सोच लेना, सोच कर लेना आना है, आना है तो फिर रात को मत आना, नहीं इधर तो डूम वूम नहीं मिलेंगे, बहुत बुरा हाल है और परेशान हो जाओगे आप लोग। हमारी बैंड बज गई सीरियसली। अब तुंगनाथ के लिए रात को लोग 1 बजे भी जा रहे हैं ट्रैकिंग करने, 12 बजे भी जा रहे हैं, और इतने इतने लोग जा रहे हैं, क्या बताऊँ कितने कितने लोग जा रहे हैं। गाइज जगह बहुत बढ़िया है और बहुत ऊंचे पहाड़ों पे है, और फ्रेश होने के लिए ना आपको ये मिलेंगे यहाँ पे, मतलब छोटे छोटे बूथ टाइप के मिलेंगे, कैबिन टाइप के, और इनमें आप फ्रेश हो सकते हो। नहाने की कोई सुविधा है नहीं यहाँ पे, पहले बता रहा हूँ, नहाने की कोई भी सुविधा नहीं है। हमने पूरे में ढूंढ लिया नहाने के लिए, सब बोल रहे हैं कि भैया नहा नहीं सकते, बाकी आप फ्रेश हो सकते हो। तो ये 6 बूथ खड़े हैं 3 लड़कियों के लिए और 3 लड़कों के लिए, इनमें आप अपना फ्रेश हो सकते हैं सही से, और नहाने की कोई व्यवस्था है नहीं। और मैं आपको दिखाता हूँ, मौसम बहुत बढ़िया, ठंडी तो नहीं है ना। मैंने अभी ना हाथ, मतलब मुँह धोने के लिए पानी जैसे हाथ में लिया ना, मेरे को ऐसा लगा था कि मेरा हाथ ही नहीं है, मतलब इतना ठंडा पानी है ना भाई, भाई बस की नहीं है। हाथ में उंगली डाल, पानी में उंगली डाल दो और निकाल लो, ऐसा लगेगा तुम्हारी वाली उंगली है ही नहीं बॉडी के पास, बॉडी के अंदर। बहुत ठंड है, कपड़े दिखाऊं कितने पहने हुए हैं मैंने, देखो 1, 2 और 1 इनर 3। और भाई दिल्ली में से इनर को पहन लेता ना मैं, तो मुझे कुछ पहनने की जरूरत नहीं होती, इतनी गर्म इनर है, पर यहाँ तो इसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा, इतनी ठंड है। देख सकते हैं जगह बहुत बढ़िया है, हम बहुत ज़्यादा ऊँचे पे हैं, क्योंकि तुंगनाथ ना सबसे ऊँचा मंदिर है शिव जी का तुंगनाथ में, सो ऐसा यहाँ रहने वाला है। और जो हमारी गाड़ी खड़ी है वो यहाँ पे खड़ी है इसके नीचे, और वहीं जा रहे हैं हम लोग। ओह माय गॉड, इस देख रहे हो कार पे ना बर्फ़ जम रही है, इतनी ठंड है यहाँ पे, देखो बर्फ़ जम रही है कार के ऊपर, भाई बहुत ठंड है यार, मेरी हालत ख़राब हो गई। व्यू बहुत अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छी है, पर अगर आपको एडवेंचर करने का शौक है, गाड़ी में स्टे करने का, सोने का, कुछ अपने आप से बनाने का, तो आप यहाँ आ सकते हैं। अगर एडवेंचर पसंद है ना आपको, कि खुद खाना बना के खा लोगे और गाड़ी में रह लोगे, तो यहाँ पे आ जाना भाई, लेट नहीं तो टाइम से आना, यहाँ पे आपको ना रुकने का नहीं मिलेगा कुछ भी। अगर बाइक में तो सोचो बाइक वाले कैसे करते होंगे, बेचारी बाइक में सोएंगे क्या, ऊपर से होश पड़ती है, हालत खराब हो जाएगी। देख रहे भाई सुबह सुबह का वर्कआउट चल रहा है, मेहनती लौंडा। तो गाइस हम अब स्टार्ट करें चढ़ाई, और जैसे कि मेन गेट है जहाँ से हम चढ़ेंगे, जाएंगे एंट्रेंस करेंगे, और उसके बाद में हमने बजा दिया यहाँ पे घंटा, जय शिव शंकर, तुंगनाथ महादेव की जय। और मैं आपको दिखाता हूँ इंट्रो, ये क्यों बनाया गया, किस लिए दर्शन पाने हेतु, इसका इंट्रो आप उनका पीछा किया तो वो गुप्त काशी में रोकने के बाद, लेकिन पांडवों ने उन्हें पहचान कर वहाँ भी। सो गाइज ये ट्रैक है जहाँ हम जा रहे हैं, और रास्ता ऐसे रहने वाला है, जो ट्रैक है वैसे रहने वाला है, और ये 3.5 और 4 किलोमीटर के आसपास ट्रैक है। और मैं आपको दिखाता रहूँगा रास्ते में क्या क्या पड़ेगा, और यहाँ पे खच्चर भी मिल जाते हैं वैसे, खच्चर भी हायर कर सकते हैं, और उसका जो खच्चर का जो चार्ज रहता है वो 1000, 1500, 2000, मतलब डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर। यहाँ पीछे कार्यालय है जहाँ से आप घोड़ा हायर कर सकते हैं, खच्चर घोड़ा, और यहाँ से ऐसे ट्रैक चलने वाला है, बहुत ही सिंपल सा है इतना अभी तो लग रहा है हमें, बाकी आगे पता चलेगा कि हम कितना थके हैं, सांसों से फूलने लगी वैसे। पर ये पता कैसा लग रहा है, जैसे हम किसी पार्क में घूमने आए, सो पता नहीं चलेगा टाइम का, हम इसको कवर कर लेंगे। गाइज अभी थोड़ी सी दूरी चले हैं,
हालत खराब हो गई है, मैं बता नहीं सकता। जो मेरे साथ थे ना, पीछे कोई भी नहीं है, और मैं और एक भाई था मेरे साथ विशाल, वो मेरे से बहुत आगे निकल चुका है, वो दौड़ लगा के भाग गया और मेरे से बिल्कुल नहीं चला जा रहा। हालत ख़राब हो गई, बहुत टफ है, लगातार ऐसे चढ़ जाएंगे, बहुत हालत ख़राब है। हम बहुत ऊँचे पर आ चुके हैं, हालत ख़राब, अब तो गर्मी लगने लग रही है, धीरे धीरे करके कर कपड़े उतारने लगूंगा मैं सारे, बहुत जाओ कि तुम चिखिया चल रास्ता है वो बहन गया यहाँ से ऐसे। बहुत देर चलने के बाद कुछ अच्छा सा आँखों को दिखाया, मैदान है खाली, प्लेन और कुछ बना हुआ है, शायद रेस्टोरेंट है। फोटो सेशन करेंगे वहाँ पे हम भाई। इधर से आया हूँ मैं, ओ विशाल भाई, भाई हालत खराब हो गई, हालत तो खराब है, परीक्षा एक परीक्षा ली जा रही है। गाइज यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, हमने यहाँ बहुत सारी फोटोज क्लिक की अपनी, और बहुत ही शानदार व्यू है, मतलब मज़ा आ गया व्यू देख के, ये तो बहुत अच्छा लगा। थकान जो हो रही थी ना वो उतर गई है, अब आगे की रास्ते चढ़ाई चढ़ेंगे, आगे हमें जाना है वहाँ पे, जहाँ से दिखाता हूँ मैं कहाँ पे जाना है, मेरा हाथ सूझ गया था, रुक जा, जहाँ पे मेरा हाथ वहाँ पे जाना है, बहुत दूर है, तो बस थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पे ना कुत्ते बहुत अच्छे अच्छे यार, मतलब एक होता है ना ब्रीड, ऐसा लगता है कि ब्रीड का कुत्ता है, ये हस्की जैसा लग रहा है कुछ कुछ, और यहाँ पे कुत्ते और भी है ना, वो भी बहुत सुंदर सुंदर कुत्ते हैं, सुंदर सुंदर मतलब उनके बाल बहुत लंबे लंबे हैं, पता नहीं क्या खाते हैं, मतलब लड़कियों से ज़्यादा लंबे बात है कुत्तों के, सीरियसली। सो गाइस बहुत ऊपर आ चुका हूँ मैं, जहाँ से मैंने दिखाया था अभी दिखाता हूँ आपको, और मेरी टीम के कुछ लोग भी आ गए हैं, ये देखो वहाँ पे था मैं जब, और मैं कुत्तों पर आ चुका हूँ शॉर्टकट मार मार के, हालत ख़राब हो गई। और विशाल पहुंच गए बहुत ऊपर, मैं भी जा रहा हूँ उसके पास, और देखो क्या व्यू है, क्या नज़ारे हैं, तुंगनाथ मंदिर जा रहे हैं हम। गाइस इसने मुझे पा चुका हूँ, कोई भी दिख नहीं रहा, वो ग्राउंड जहाँ था ना वो वहाँ पे, वो छोटा दिख रहा है, हालत ख़राब, कितना ऊपर आ गया हूँ मैं शॉर्टकट लेके के, जो ट्रैक है ना वो ये है, और मैं ट्रैक नहीं ले रहा, मैं ले रहा शॉर्टकट, यहाँ से आया सीधा यहाँ के, ये शॉर्टकट लेते लेते वहाँ उस ट्रैक पे पहुँच जाऊँगा, कौन से वाले में, ये वाले ट्रैक पे, तो मैं ले रहा शॉर्टकट, ट्रैक मेरे बस की नहीं है, आपको दिखा दूँ, जो पहाड़ बहुत नीचे ऊँचे दिख रहे थे वो बराबर में आ गए, लेवल में आ गए, और छोटे छोटे घर आपको दिख रहे होंगे शायद, देखो कितने छोटे छोटे घर दिख रहे हैं बहुत, क्योंकि नीचे रह गया सब कुछ, मैं बहुत ऊपर हूँ, और यह है दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर शिव जी का, तुंगनाथ। पानी की बोतल साथ जरूर लेके चले, और ज़्यादा कपड़े पहन के आओगे तो यार फिर पता क्या होगा, दिखाता हूँ क्या होगा, क्या बोला, तो कपड़े उतारने पड़ेंगे, फिर आपको ऐसे कपड़े रखने पड़ेंगे जैसे मैंने बांधे हुए हैं कपड़े, ऐसे कपड़े आपको ही बांधने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है, पसीने पसीने गर्मी, क्योंकि हम चढ़ाई कर रहे हैं ऊँची, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, गर्मी लग रही है चढ़ाई करने की वजह से। थोड़ी सी देर रुकता हूँ, सांस बंद होता है, थोड़ा सा चलता हूँ फिर सांस फूलने लगता है, इसका एक रीज़न भी है, अब दिल्ली में रहते हैं हम लोग, अगर गली गली के बाहर तक जाना होता है या तो बाइक या स्कूटी या गाड़ी इस चीज़ से घूमते हैं, पैदल चलने की आदत बिल्कुल छूट चुकी है, इसलिए अब हालत ख़राब हो रही है, अगर पैदल चलने की आदत होती तो मैं अच्छा चल पाता भाई, हालत हो गई टाइट। कहाँ से आ रहे हम लोग, हमें इस घने जंगल से,
अब तो बादल ही बराबर मावे, हम बादलों में खड़े हैं। भाई साहब यहाँ पड़ रही है बर्फ, मैं तो रात को पड़ी होगी, और अभी मैं सोच रहा मंदिर आ गया होगा। यहाँ पे ना कुछ बना हुआ था, दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे ये बना हुआ था रेड रेड, मैं सोचा मंदिर होगा, और वहाँ से फिर चल जाए आगे। ट्रैक अभी और भी है, ये देखो यहाँ से ये जा रहा, ये जा रहा, ये जा रहा, और मंदिर कहाँ है, मंदिर यहाँ है, ये वाला मंदिर है। और देखो यहाँ से पहाड़ भी उठ रहे और यहाँ से भी पहाड़ उठ रहे, तो मैं ना अब आसमान में हूँ। मैंने 3,000 बचा लिए दिल्ली से आगरा वाले, क्योंकि फ्लाइट का इतना शायद होगा टिकट, और मैंने पूरे पैसे बचा लिए अपने, और मैं आसमान की ऊंचाइयों में, कोहरा ही कोहरा, बहुत सारा कोहरा। भाई वहां से आए एक सांस में यहां से, और अभी जाना है और ऊपर वहां पे, और दिखाऊं आपको व्यू, ये देखो, ये देखो कहां खड़ा हूं मैं। वो बात सुनिए, आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, अब दिखाता हूँ आसमान कितने नीचे है मेरे से, मेरे को डर लग रहा है। ये देखो ये सारे ना आसमान है, नीचे नीचे से जाऊँगा। ये देखो मैं ऊपर हूँ और बादल नीचे है, ये देखो क्या व्यू है। ये भाई बैठे, इन्हें डर नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है मैं आसमान की ऊंचाइयों में, कोहरा ही कोहरा। 5 बजे छोड़ दो भाई, भाई साहब पीछे बादल है मेरे, दिखाता हूँ आपको, ये देखो मैं बादलों से आज ऊपर बैठा हूँ, सारे बादल नीचे है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है हम लोग, कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। सीरियसली बता रहा हूँ, इतने ऊंचे पे पहली बार आया हूँ मैं, और मेरी हालत ख़राब हो गई, गर्मी तो है चलते चलते, पर बहुत शानदार व्यू है यहाँ पे आके, ना वसूल हो गया सब कुछ, मतलब एक होता ना मज़ा आ गया। अगर आप आओ तो यहाँ फोटो जरूर खिंचाना, बस ज़्यादा आगे बच जाना एडवेंचर के चक्कर में, क्योंकि पत्थर ना आगे से टूटा सा है, तो मुझे डर लग रहा है इसलिए मैं आगे नहीं गया। ये भाई ने ना, दोनों भाइयों ने आगे जाके फोटो खिंचाया, देखो सूर्य भगवान। ये देखो ऐसे ऐसे व्यू है ना, मजे आ जाएगा। भाई ड्रोन उड़ रहे हैं क्या? हाँ ड्रोन से ले रहे हैं लोग शॉट। ये देखिए बॉस, जन्नत है जन्नत। तो गाइज अभी मैं थक गया था बहुत ज़्यादा, और भैया ने मेरे को चॉकलेट्स खिलाई हैं और इतने सारे ड्राई फ्रूट्स दिए हैं, मेरा आ भी नहीं हाथ में, मेरे को, मेरे दोस्तों को, दोनों को। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, वेलकम। हालत ख़राब हो गई मेरी आज चलते चलते। भाई ऐसे बहुत कम बंदे मिलते हैं, मैं तो मजाक मजाक में बोल था, किसी के पास चॉकलेट है क्या, उन्होंने मेरे को 2 चॉकलेट पकड़ा दी, इतने सारे ड्राई फ्रूट्स मेरे को, मेरे दोस्तों को, खा के थोड़ी सी एनर्जी आई है। थैंक यू सो मच भैया जिन्होंने दिया, मैं पहुंचने वाले हैं बस थोड़ी देर में। थक गया, अब हालत ख़राब हो गई, पहुंच गए बस, ऑलमोस्ट आई गए। ये है मंदिर जी गाइस, जाके हमने जस्ट बिल्कुल मैगी खाई है, अगर पहाड़ों में आए हो मैगी ना खाई तो बेकार है सब कुछ,
कल से मैगी खा रहे हैं वैसे परसों से ही रोज, पर अभी हमने बाहर की मैगी खाई है पहली बार क्योंकि हम पहले बना रहे थे खुद, और अभी जस्ट मैगी खाई है शॉप पे और एक चाय पी है, थोड़ा सा सुकून मिला। और अब हम मंदिर जी जा रहे हैं जो कि ये वे है रास्ता है, बस यहाँ से 100 मीटर की दूरी मंदिर है और हम मंदिर जी जाके दर्शन करेंगे। और हम आ गए हैं, ये है वे जाने वाला, यहाँ से सीधे जाएंगे।